उफ, मैं कभी भी इन फ्रैक्शनों को नहीं समझ पाऊंगा। नोबिता अपनी कुर्सी पर ढीला पड़ा हुआ था, टेलीविजन पर कार्टून देखते हुए गृह कार्य की किताब को दरकिनार कर रहा था। अचानक डोरेमोन अपनी जेब से एक चमकदार यंत्र निकालते हुए कमरे में घुसा। आज क्या नया है डोरेमोन? आज तुम्हारे दिमाग को तेज करने के लिए कुछ खास लाया हूँ। नमस्ते, मैं हूँ रिद्धिल रड, दिमागों को चकराने वाला। क्या तुम पहेलियों का सामना करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, पहेलियाँ? वाह, मजेदार लगता है। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? जवाब, परछाई। ए टू आसान था। डोरेमोन इसे स्कूल ले चलते हैं, शायद वहाँ के टीचर ज्यादा मुश्किल पहेलियाँ पूछेंगे, या इसे किसी ऊंचे पेड़ पर ले चलते हैं, शायद वहाँ से ज्यादा मुश्किल पहेलियाँ मिले। तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो नोबिता, मैं तुम्हारे गैजेट्स का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। नोबिता, ये गैजेट स्कूल ले जाने के लिए नहीं है, तुम सिर्फ खेलना चाहते हो, अपना होमवर्क नहीं करना चाहते। ओ डोमोन, मैं अपना होमवर्क कर लूँगा, लेकिन बाद में क्या हम सही तरीके से रिडल रडा का इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, चलो बूझो ये पहेली। वह कौन है जो नाक पर चढ़ता है और कान पकड़ कर पड़ाता है? क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब? एच रिडल रडा, चश्मा है इसका जवाब। डोरेमोन, पहेलियां हल करना होमवर्क करने से कहीं ज्यादा मजेदार है। नोबिता, पहले होमवर्क फिर मजा। अच्छा, ठीक है, ठीक है।